श्री भाष्यकार भागवत पद, श्री रामानुचार्य सशस्त्रवादी, हजारवीं जयंती महोत्सव के पावन अवसर पर पर्यावरण एवं वायुमंडल को संतुलित सह प्रदूषण मुक्त करने हेतु दिव्य रोपण शिविर का आयोजन सेवा भारती के संयोजक भाजपा नेता सूरजभान सिंह द्वारा आरा चंदवा यज्ञ स्थल पर किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन जिलाधिकारी संजीव कुमार ने फीता काटकर और वृक्षारोपण कर किया। ये कटहल इस तरह की जगत संचालन के अध्यक्ष है सुनील तिवारी जी। चलिए आइए चले लंबा सा सजावट के लिए जो कि कार्यालय जगह जगह थोड़ा सा किनारे रखा, किनारे रखा, गेट पर रखा। पौधा खड़ा होना चाहिए, पौधा लेटा हुआ नहीं होना चाहिए, आराम से। हाँ यह कार्यक्रम का आज आयोजन है। जबलपुर जिला के जिलाधिकारी उपस्थित हो चुके हैं। मैं उनसे आग्रह करता हूँ कि वृक्षारोपण वृक्ष वितरण शिविर का आरंभ काट करके उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के लिए इन तमाम महानुभाव से स्वामी जी महाराज की जय। थोड़ी देर बाद बैठा लिया जाए, अभी बैठा ली फोटो पर्यावरण संतुलन के सवा लाख वृक्षों के वितरण के लिए जय शंकर श्रीमन नारायण प्रभु प्रेम चुगले श्री जय स्वामी जी महाराज की जय। आज के बाद से निरंतर सवा लाख वृक्षों का यहाँ से निशुल्क वितरण किया जाएगा प्रसाद। और मैं सूर्य भान जी से दो मिनट आग्रह करना चाहूंगा कि आप इस कार्यक्रम में दो शब्द क्योंकि ज्यादा समय करिए। जन जन तक यह संदेश जाएगा कि सभी लोग अपने घर में वृक्षारोपण करें, घर के बाहर वृक्षारोपण करें एवं पर्यावरण को तदनुकूल बनाएं। जो हमारे यहाँ आजकल गर्मी और ये सब की समस्या बढ़ रही है, ये सारे इफेक्ट को रोकने के लिए वृक्षारोपण एक बहुत ही अत्यंत महत्वपूर्ण साधन है। इसके जरिए आप सभी लोग जो भी दैविक कार्य, एक तरह से दैविक कार्य कर रहे हैं, तो सभी लोग वृक्षारोपण करें, भोजपुर को स्वस्थ बनाएँ, सुंदर बनाएँ और पर्यावरण को प्रदूषण से मुक्त बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का। तुम लोग आने आगे आके कहाँ खींचो, फिर से खींचो आप किसे कहा है बरोबर यहाँ जो चंदवा गांव में जाता है बहुत जो यहाँ हाउसिंग का जमीन है उसमें बड़ी वाहन लगे। एक हमारा जो मेडिकल ऑफिसर लोग रहते हैं उनके लिए वगैरह लगा लें, कोई बीमार हुआ तो उसको देख लें, हेल्पलाइन वगैरह के लिए। मेडिकल हेल्पलाइन तो सबसे इम्पोर्टेंट है, एक कंट्रोल रूम के अलावा एक मेडिकल हेल्पलाइन फिर से अलग इधर वही तो बोल रहे हैं।
बस घर वाला मॉनिटर नहीं हो पाएगा। बीच मुझे लग रहा है इस साइड ठीक है, बीच में ठीक है, यही अच्छे रहेगा। और ये और सीसीटीवी वो सब के बारे में तो हम लोग डिस्कस करेंगे आपसे। अंदर भी हम लोग को जाके देखने की जरूरत है, मतलब रोड कैसे जाएंगे, किधर से जाना जैसा होगा। आप आपके जिला के देख ही लेते हैं, चलिए ना एक बार अंदर भी कैसे कैसे रोड रहेगा देख लेते हैं। आप वितरण करने जा रहे हैं, कैसे मन में आया कि आपको वितरण करना चाहिए और इसका मतलब कि मुख्य कारण क्या है? श्रीमन नारायण, हजारवीं श्री रामानुजाचार्य हजारवीं जयंती के शुभ अवसर पर आरा चंदवा के ग्राम में महायज्ञ होने जा रहा है, जिसमें 1008 कुंड श्री जयर स्वामी जी के प्रेरणा से ये हमें सौभाग्य प्राप्त हुई कि 1,25,000 वृक्ष का काम उन्होंने हमें दिया और आज से इसकी शुभारंभ होने जा रही है। प्रत्येक व्यक्तियों को ये वृक्ष फलदार वृक्ष वितरण किया जाएगा, इससे पर्यावरण और वायुमंडल की शुद्धिकरण है। इस वृक्ष को लगाने के लिए इसके बाद फिर देखभाल के लिए क्या कोई व्यवस्था है? देखभाल की व्यवस्था है, जो भी यहाँ से वृक्ष ले जाएंगे प्रत्येक व्यक्ति को 10-10 वृक्ष देने की बात है संकल्पित श्री जियर स्वामी जी की प्रसाद स्वरूप इसे ले जाएंगे और बच्चे के समान वो पालन, एक वृक्ष 10 पुत्र समान होता है, तो जो भी व्यक्ति ले जाएंगे वो पुत्र के समान इसे लालन पालन करेंगे, जिससे पर्यावरण और धरती प्रदूषण से मुक्त हेतु, पर्यावरण को संतुलन बनाने हेतु सभी लोगों के ध्यान है अपने आने वाले पीढ़ी के लिए कि मैं अपने पर्यावरण को संतुलित करूं और बचा कर रखूं ताकि मेरे आने वाले बच्चे खुशहाल रहें। क्या इसके पहले भी इस तरह के पुनीत काम करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? जी, कम पैमाने पर 25, 50, 100 इस तरह प्रत्येक वर्ष कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हम लोग लगाते रहते हैं, लेकिन ये तो श्री जयर स्वामी जी की आशीर्वाद से बृहद पैमाने पर ये सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ। मेरे सबको लोग, सारी टीम, सेवा भारती टीम, मेरे बेहरा गाँव के सभी लोग और सेवा भारती सारी टीम लोग करीब करीब 10 दिनों से इसमें लगे हुए वृक्ष परचेज करना। आज एक लखनऊ से एक ट्रक वृक्ष बेल का और आंवला का ये आया है, ये कल के फूल वाली गमला भी बक्सर से आया है, आम कलकत्ता से आ रहा है, अभी रास्ते में गाड़ी है। तो क्यों मतलब फलदार वृक्ष भी है कि ये घर में लगाने वाला पौधा भी है? इसमें आंवला, आम, नींबू, अमरूद, अनार, ज़्यादातर कदम ज़्यादातर फलदार वृक्ष है, फलदारी वृक्ष है। कितने संख्या में वितरण करने वाले हैं? 1,25,000, 1,25,000 श्री जयर स्वामी जी की संकल्पित वृक्ष है। लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे माध्यम से? लोगों कहें कि ये वृक्ष ले जाएं और अपने बागान बगीचा में या घर पर द्वार पर, कुछ द्वार पर लगाने वाला एक वृक्ष है नींबू का, अनार का, और इसे अपने बच्चे के समान लालन पालन करें कि आने वाले पीढ़ी इसकी लाभ उठा सके, फल भी उन्हें मिले और पर्यावरण प्रदूषित ना हो। ये स्वामी जी की बड़ी स्टेप है, बड़ी काम है। इस महायज्ञ के साथ साथ वृक्षारोपण स्वामी जी की तरफ से बड़ी सौभाग्य की बात। जिला जाना चाहेंगे, जो फोर लेन बन रहा है में कई संख्या में, काफ़ी संख्या में पेड़ काटी जा रही है, लेकिन सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं की जा रही है कि उसके बदले दूसरी जगह पेड़ लगाई जाए। सरकार तो इस पर काफ़ी बड़े अभियान चला रखा है, सेंट्रल गवर्नमेंट, भारत सरकार भी रखी है, बिहार सरकार भी कर रही है। हम लोग अपने भाजपा की तरफ से भी सभी को 10-10 वृक्ष लगाने की सूचना मिली है। ये तो आपके मतलब आपका पर्सनल हो गया, लेकिन जो बड़े पैमाने बात की जाए या सरकारी तरफ से बात की जाए तो इस तरह की कोई पहल दिखाई नहीं देती है। सरकारी वृक्षारोपण में बहुत कुछ है, पहले से लगते आ रहा है, लेकिन कुछ ना कुछ घोटाला हो जाता है जो लग नहीं पाता है। यानी मानते हैं कि घोटाला हो रहा है इस तरह? पहले की सरकारें तो की है, लेकिन अब बिहार सरकार भी घोटाले में नहीं जाएगी। बिहार सरकार असम्बली सरकार है, अच्छी सोच वाली सरकार है, चलेगी, पर्यावरण शुद्धि होगी।